करते हैं सबसे पहले मैं एक चीज बता लूं कि जो बच्चों की 85 से ऊपर आई है जून वाले अटेम्प्ट ठीक है जिन बच्चों का भी 85 से ऊपर आया जून वाले अटेम्प्ट में वो सारे बच्चे एक कैटेगरी में नहीं है ठीक है वो सारे सवा लाख बच्चे क्योंकि यू आर विद इन दैट सवा लाख वाला रेंज ऑल इंडिया रैंक आपकी सवा लाख में आ रही है तो ये मेन यही बच्चे हैं जो कंपिट करते हैं आगे आई के लिए तो मैं ये तो बोलूंगी कि यार यू डिजर्व टू गो टू आई अगर आपके 85 फाइव परसेंट टाइम ऊपर आई आप ट्वेल्थ दे, दे रहे हैं के साथ साथ आपने uh, जेई का एग्जाम दिया और आप 85 ऊपर ला चुके हैं तो आप डिजर्व करते यू डिजर्व टू गो टू आईटीज बट सारे बच्चे को मैं एक कैटेगरी में क्यों नहीं मानती उसका एक कारण है उसका रीजन ये है कि, कि किसी बच्चे ने अपना बेस्ट दिया है तब वो 85 से ऊपर आया है और किसी ने अपना वर्स्ट दिया है ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं इनफैक्ट मैं कल ही एक ऐसे बच्चे से मिली हूँ जिसने मुझे ये बोला कि मैम हमने तो कुछ एफर्ट ही नहीं डाला हमने तो नॉर्मल नॉर्मल पढ़ाई करी और हमारी पर्सेंटाइज जो है वो अभी एटी बन रही है यार अगर आपने नॉर्मल पढ़ाई करी है अभी आपने अपनी कोशिश और इनपुट्स डाले ही नहीं और आपकी एटी परसेंटाइल आई है आपका ड्रॉप करना बनता है ठीक है यहां मैं आपको क्लियरली एक चीज़ इंडिकेट करना चाह रही हूँ कि एट्टी फाइव परसेंट से ऊपर लाने वाले वो सारे सवाल लाख बच्चे जिनके अंदर ये कॉम्पिटिशन होने वाला है जिनके अंदर रियल कॉम्पिटिश होने वाला है वो आई जाना डिजर्व करते हैं अब सवाल ये उठता है कि अगर आप इस रेंज में हैं तो आप अपना बेस्ट दे के इस रेंज में आए हैं या आप कैजुअली ही इस रेंज में आ गए ठीक है कैजुअली आपकी 86, 87 एटी सेवन परसेंटाइज ला रही है अब ये देखना कि 85 का मतलब किसी की एट्टी फोर परसेंटाइज आ रही है तो वो इस, इस रेंज से बाहर नहीं है ठीक है तो कैजुअली ही सपोज आपके आगे कि मैम हमने तो कुछ भी नहीं किया था हम तो कुछ एफर्ट नहीं डाला था और हमारी एटी फोर एटी फाइव परसेंटा भाई साहब आपका ड्रॉप देना बनता है ठीक है या तो अभी घुस जाओ या अगले साल घुस जाओ पर ड्रॉप देना आपका बनता है यू डिजर्व टू गो टू

राइट right, तो आप ये देखिए कि आप में में से घुसने की कोशिश कर रहे हैं करीब लाख बच्चे नहीं होगा सिंपल नहीं होगा वैल्यूएबल है सिंपल नहीं है तो आप अपने आप से सवाल करिए क्या मैं आज जिस स्थिति में खड़ा हूं ट्वेल्थ के साथ साथ मेरी 85, 84, 86, 87 परसेंटाइल आई है क्या मैंने अपना बेस्ट दिया था और अगर मैंने अपना बेस्ट दे दिया मैंने अपने आप को निचोड़ लिया है क्या मैं अपने आप को और निचोड़ने के लिए तैयार हूँ क्योंकि बेटा इट इज़ नॉट अबाउट पोटेंशियल इट इज अबाउट एटीट्यूड ऑल्सो है ना हाउ डेस्परेट यू आर टू गो टू आई आई टी क्योंकि आई आई टी एन बनना जज्बे से आता है, है ना कोई फोर्सफुली नहीं आपको नहीं बना सकता है आप कोई यूट्यूब वीडियो देख करके सडनली एक दिन में आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं मोटिवेट हो जाते हैं तो वो मोटिवेशन चार दिन चलता है ये अंदर का जज्बा होता है कि हाँ मेरे को पहुंचना है आईआईटी ठीक है तो अगर आप अपने आप को अगले एक साल मेहनत करते हुए अच्छे से मेहनत करते हुए देख पा रहे हैं कि मैम हमने इलेवन में बहुत मेहनत की पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार मैं थोड़े और इनपुट्स डालूंगा मैं और फोकसड होके इस एग्जाम की तैयारी को करूंगा तो मैं आई पहुंच जाऊंगा नंबर वन ये बात आपको अपने आप से करनी यही आपको अपना जवाब मिल जाएगा कि शुड यू टेक ड्रॉप और नॉट लेकिन वो बच्चे जो कैजुअली इस रेंज में आ गए मैं उन्हें बोलूंगी कि कुछ किसी से राय मतलब ड्रॉप करो अब यहाँ ड्रॉप करने का एक नुकसान भी होता है नुकसान ही होता है मतलब ऐसे नुकसान ही होता है साइकोलॉजिकली मैं बात कर रही हूँ बच्चों को ना जनरली क्या लगता है कि मैम हमारा दोस्तों कॉलेज में पहुंच गया हम तो कहां बैठे अभी ड्रॉप ईयर में बैठे हैं तैयारी करें हम तो उसके जूनियर बन जाएंगे मैम फेल होने जैसी फीलिंग आ रही है कि जिनके साथ पढ़ा करते थे उन्हीं के जूनियर कहलाएंगे उसका सेकंड ईयर चलेगा हमारा फर्स्ट ईयर चलेगा तो और वो भी नहीं पता अभी तो अनसर्टिनिटी इतनी कि अभी तो हम अगले साल के लिए ड्रॉप कर रहे हैं तो हमें तो गंदी सी फील आ रही है फेल होने वाली तो बेटा मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि फेल होने वाली फीलिंग या इस तरीके की थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको डीमोटिवेशनल फीलिंग कि मेरा दोस्त कॉलेज पहुंच गया और मैं अभी सिर्फ ड्रॉप कर रहा हूँ प्लीज अपने अंदर मत आने दीजिए और ऐसा बहुत सारे बच्चों में हो जाता है क्योंकि ये प्रोफेशनल यू डन विद योर ट्वेल्थ क्लास ना आप जॉब के लिए पढ़ते हो आप करियर सिक्योरिटी के लिए पढ़ते हो बारहवीं क्लास तक की पढ़ाई कैजुअल होती है बारहवीं आप पढ़ रहे हो तो आप जॉब के लिए पढ़ रहे हो और जॉब के लिए क्या पता आपका दोस्त एनआईटी में गया और आप ड्रॉप करने के बाद आई में पहुंच जाए क्या पता जिस कंपनी में आपका दोस्त काम कर रहा हो आप एक साल ड्रॉप करके उसके बॉस बन के आगे बैठ जाओ यू नेवर नो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो आप है ना तो ये ऐसी ये जंग भी नहीं है मैं कहूंगी ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप ये नहीं सोचे कि मेरा दोस्त आगे पहुंच गया और मैं उससे पीछे चल रहा हूं आप तेज दौड़ जाएंगे अगर आप आई आई पहुंच गए तो तो इसलिए अगर आप एक डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ मुझे ड्रॉप करना है तो इस तरीके की नेगेटिविटी को बिल्कुल भी अपने अंदर आने मत दीजिए और यार लाइफ में एक बार तो अपने आपको प्रूफ करना ही पड़ता है यार कोच भी आपका अगर सपोज करो कोई सिलेक्शन करने आया या मैं कहूंगी कोई ऑडिशन आपके ले रहा है क्रिकेट के अंदर अगर आपका कोई सिलेक्शन है एक बार तो छक्का मारोगे बिना छक्का मारे कोई आपको कैसे सिलेक्ट कर लेगा फिर यहां तो जेई तो आपको फिर भी दो मौके देता है मेंस में दो बार मेंस के अटेम्प्ट हुए हैं तो आपको अपना बेस्ट तो देना ही पड़ेगा हम ये नहीं कह सकते कि यार आ, हमारा हमारे अंदर है पोटेंशियल लेकिन हम करते नहीं है तो फिर वो एटीट्यूड की बात आ जाती है तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आप में एटीट्यूड है कि नहीं अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल पोटेंशियल बहुत बच्चों में होता है ऐसे बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं मैं पढ़ाती हूँ जो कहते हैं कि मैम दिमाग तो बहुत तेज चलता है बल्कि वो कहते नहीं है दिखता है कि दिमाग बहुत तेज चलता है लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता तो ये आप अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप एक सीरियस पढ़ाई की इस एक साल की जर्नी को तय कर सकते हैं सक्सेसफुली और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिंदगी में एक बार तो आपको एफर्ट मारना ही पड़ेगा नहीं तो आपका करियर स्पेशली स्पेशल कैटेगरीज में नहीं है बहुत रेगुलर और नॉर्मल सा करियर बनेगा फिर आपका तो आपको अगर एक बहुत अच्छा करियर बनाना है तो एक बार ही आपको तगड़े इनपुट्स जरूर डालने पड़ेंगे चाहे आप आज डालें और अगर आप आज डालेंगे मूड में नहीं आपको लग रहा हम तो एनआईटी से या कोई भी नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेंगे आगे जाके एफर्ट डालेंगे तो वो सेगमेंट्स की बात भी मैं इसी वीडियो में करने वाली हूँ कि आगे जाके कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जिनके लिए आप तैयारी कर सकते हैं अगर आप आज ड्रॉप करने के लिए प्रिपेयर नहीं है बट ये है कि आपको अपने आप से एक निर्णय लेना है कि क्या मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता वंस यू डिसाइड तो वो ऐसा होना चाहिए कि हाँ यार अब हम कर लेंगे तो ये एटीट्यूड आप में है कि नहीं है ये जज्बा आप में है कि नहीं है आईआईटी में घुसने के लिए वो डेस्परेसी आप में है है कि नहीं ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है जो कि 85 परसेंटाइल से ऊपर आते हैं और अगर कोई बच्चा 95 से ऊपर आ रहा है कैजुअली तो फिर तो मैं कहती हूं भैया तू तो किसी से कुछ ही बात मत कर ड्रॉप कर ले कर ले मतलब कर ले क्योंकि एक साल ड्रॉप तो बनता है बिकॉज यू गो यू डिजर्व टू तो गो टू तो आई है ना मूविंग अहेड अगर सपोज किसी की एट्टी से लेस परसेंटाइल आई है ठीक है एट्टी से लेस परसेंटाइल आई है अब यहाँ पे भी मैं यही कहूँगी कि वो किस कैटेगरी में आता है क्या उसने अपने आप को पूरा नहीं छोड़ दिया है और वो 80 से लेस परसेंटाइल ला रहा है तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी अगर आप 80 से लेस का मतलब ये नहीं होता मैं मेरी 40 आई है एटी से लेस है 80 से लेस परसेंटाइल मतलब वही लाइक सेवेंटी फाइव की रेंज की परसेंटाइल है तो फिर आप एन टारगेट करो बी क्लियर अबाउट योर डिसीजन आप एनआईटी टारगेट करो कि हाँ अब वो उस एनआईटी के लिए आप चाहे तो ड्रॉप ले सकते हैं आप चाहे तो इसी साल कर सकते हैं एक चीज मैं और ऑन करना चाहूंगी बेटा कि जिन बच्चों की नाइनटी फाइव से ऊपर परसेंटाइल आई है अभी ठीक है ट्वेल्थ में वो एडवांस के लिए जीत और मेहनत करो बेटा आपको तो इसी साल जाना है अगर आपकी नाइन्टी फाइव से ऊपर आई है ना तो अभी दिन बच्चे हैं एडवांस के हमारे पास और हमारे अन अकेडमी जे यूट्यूब चैनल पर भी एडवांस के लिए आई टी एक्सप्रेस शुरू हो गई है ठीक है तो आपको जीत तोड़ मेहनत करनी है और इसी साल निकालना है और इस साल नहीं निकला ना तो फिर तो अगले साल पक्का से आपको निकालना ही निकालना बिकॉज यू डिजर्व टू गो टू आई टी टॉकिंग अबाउट दिस कैटेगरी जो कि मैं एटी परसेंट है या सेवेंटी फाइव परसेंट है सेवेंटी फाइव टू एटी वाला रेंज पकड़ा था मैंने आपको एनआईटी जाना चाहिए एन आई टी एम करना चाहिए एक्सेप्शनली आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को देख करके अपने आप को ऐसा मत करिए कि यार मैं तो फोड़ दूंगा कर दूंगा एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं बेटा लेकिन अगर आप टॉप बीस परसेंट में तो बीस परसेंट से वन परसेंट में आना डिफिकल्ट जर्नी होता है मैं ये नहीं कहती कि आप कर नहीं सकते आप कर सकते हैं लेकिन ये सवाल आपको अपने अंतर्मन से पूछना पड़ेगा कि यार मुझे करना चाहिए कि नहीं लेकिन एटलीस्ट आपको एनआईटी के लिए तो एम करना ही पड़ेगा दूसरी बात है सेवेंटी फाइव परसेंट क्राइटेरिया की चिंता करना छोड़ दी ये सब गवर्नमेंट की बातें हैं आपको इन सब के बारे में नहीं सोचना है और हमारी टीम नमो सर को देखो आप कितना स्टैंड लेते हैं आपके लिए अभी ट्वीट इतना किया उन्होंने वो सब थर्ड अटेम्प्ट इन अटैम्प्ट सबके लिए तो आप सरकार जो भी डिसीजन लोगे वो कॉमनली सबके लिए लेगी तो इन सब चीज़ों के बारे में सोच के अपने दिमाग का जो एक होता है ना पोटेंशियल उसको हम सिर्फ व्यर्थ करते हैं एक कैपेसिटी जो हमारे ब्रेन की होती है जो अच्छी जगह लगनी चाहिए उसको ये इन सब टेंशन से हम वेस्ट कर देते हैं ये वो डिसीजन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में हमारे हाथ में भी नहीं है एंड ये वो डिसीजन्स हैं जो हमारी केपेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं तो प्लीज आपको इस चीज का ध्यान रखना है ठीक है गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ इट टाइम वेस्ट मत करिए जीतू भैया एक बात करते हैं और मैं उस चीज को बात मानती हूँ कि स्टॉप ड्रीमिंग स्टार्ट एमिंग यहाँ पे मैं एक चीज और एड करना चाहूंगी कि सिर्फ एम करने से कुछ नहीं होगा स्टार्ट वर्किंग डोंट वेस्ट टाइम यहां मैंने आपको जितना भी थोड़ा बहुत बताया कि 85 परसेंट से ऊपर आप किस तरीके से आए हैं बहुत मेहनत करके आए हैं कि कैजुअली आए हैं उस बेसिस पे आप निर्णय लेते हुए ये डिसीजन लेंगे सबसे पहले तो कि इस बार का एडवांस आपको पूरी मेहनत से देना है और फिर आगे ड्रॉप करना है या नहीं करना है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ठीक है आप क्या समझ रहे हैं कि क्या मैं अगले एक साल ये इनपुट देने के लिए तैयार हूं क्योंकि इनपुट्स तो देने ही पड़ेंगे करियर में आज नहीं दोगे तो फ्यूचर में देने पड़ेंगे तो वो सारा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा आई वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग यहां पे ये इनपुट सबसे सिंपल है यहां आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना होता एक आपका सिलेबस होता है और उस पर आपको अच्छी सी मेहनत करके अपना एग्जाम देना होता है ठीक है आगे जाएंगे तो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचनी होती है चीजें वहां से आपके फिर सिलेक्शन हिट होते हैं लेकिन इधर ये सबसे सिंपल चीज है जिसको हम बहुत डिफिकल्ट मान रहे हैं मैं उसको इन दैट वे सिंपल मान रही हूं कि यार आपका एक सिलेबस है वो आपको तैयार करना है अभी अगर अपन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें तो यार सिलेबस नहीं है पूरा समंदर है है ना दरिया नहीं पूरा समंदर है मतलब कितना पढ़ोगे वही कम है जनरल नॉलेज वगैरह में जो आपके सिविल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं तो उतना अपने आपको यहाँ प्रूव नहीं करना पड़ता है यहाँ तो आपके वो के वो चैप्टर्स हैं उसी को अच्छे से डेप्थ में कर डालो तो आपका ये जो है एफर्ट आपका सक्सेस में कन्वर्ट हो सकता है मूविंग अहेड इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो मैंने आपको बता दी कि एटलीस्ट जिंदगी में एक बार आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा चाहे वो आज कर लीजिए चाहे वो आगे जाके कर लीजिए अब अगर आप आगे जाके अपने आप को प्रूव करते हो कि मैम हम तो नॉर्मल एन आई से किसी नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेंगे देन हमारा आगे जाके अच्छा अब्रॉड से या कहीं से भी कुछ और करने का मूड है तो मैं वो सेगमेंट्स भी आपको बता दूँ कि जैसे सपोज आपने किसी भी नॉर्मल कॉलेज से लेट से नॉर्मल नहीं एन आई से आपने इंजीनियरिंग कर ली अब आगे जाके आप एम टेक गेट से गेट के थ्रू आई से एम कर सकते हैं जी के थ्रू एम कर सकते हैं फॉरन यूनिवर्सिटीज से ठीक है और अगर आपको एक नहीं मैम हम इंजीनियरिंग तो नॉर्मल करेंगे एमबीएम फोड़ेंगे तो फिर आप आई एम्स को एम करोगे आई एम्स को एम करोगे तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा कैट देना पड़ेगा जी मैट दे अगेन आप आगे विदेश जा सकते हैं ठीक है देन आई एस ये भी होता है बहुत सारे बच्चों में कि हमें अभी इंजीनियरिंग करके फाइनली हमको कहाँ जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है देखो सब तरह के लोग होते हैं और सबके अपनी अपनी क्षमताएं होती है और सबके अपने अपने लाइफ के एम होते हैं ठीक है तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हो तो उसके लिए तो आप जानते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है कई बार तो दो 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 तीन तीन चार चार पांच पांच साल लग जाते हैं लोगों को इसकी जीत और तैयारी में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी आप जा सकते हैं तो उसके लिए फिर आपको वही आगे जाकर ड्रॉप ईयर लेने पड़ेंगे और आपको तैयारी करनी पड़ेगी फिर होता है हायर स्टडीज इन इंडिया और क्या है अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो आपको ये नेट जेआरएफ का एग्जाम जो है वो देना पड़ता है और इसमें आपका अगेन वही जो टॉप पे आता है जिसकी रैंक अच्छी आती है उनको गवर्नमेंट क्या देती है फेलोशिप देती है एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर रिसर्च जो कि मैंने किया हुआ है ठीक है जिसके आपको पीएचडी हो सकती है पी

ठीक है अगर आप अभी नहीं चाहते हो कि यार मैम अभी हम अभी अभी वो स्कूल लाइफ में हैं हम नहीं डिसीजन ले पा रहे कि हम इतना करेंगे कि नहीं करेंगे तो बेटा कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब तुम भी जागोगे जब तुम्हें लगेगा कि यार नहीं अब अब तो करना ही है अब तो करना ही है क्योंकि जिस इंसान की जिंदगी में ये ऐसा वक्त कभी नहीं आता कि वो अपने आप को प्रूव अब तो करके ही मानेगा वो जिद कभी नहीं आती फिर वो नॉर्मल पाथवे चलता है उसकी लाइफ का है ना मैं ये मानती हूँ कि सक्सेसफुल बंदा जिसने अच्छे कॉलेज से या तो बीटेक की है या एम की है या एम की है या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उसने जिंदगी में एक ना एक बार अपने आप को साबित किया है ड्रॉप लेने में कोई भी बुराई नहीं है कोई भी बुराई नहीं है बस शर्ते आपके आगे की ये पिक्चर क्लियर हो कि क्या मैं अपने आप को आज मैं पंद्रह uh, परसेंट में आ रहा हूं देश में अभी मुझे एक परसेंट में आना है तो उस पंद्रह परसेंट से एक परसेंट में आने की जर्नी जो है वो मैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बिना किसी डीमोटिवेशन के तय कर सकता हूँ ये सवाल आपको अपने आप से करना है अगर हाँ तो मैं तो ये कहूंगी कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए क्योंकि एक साल का इतना कुछ नहीं होता है बेटा अगर आप आई आई पहुंच गए इस एक साल को ड्रॉप करके तो आप सोचो ना आगे जाके कितनी बींग इन आई टी एन एज यार यू विल इंजॉय दोज यू नो ये जो चीज़ें वो फैंसी आप कहलाओगे लाइफ में तो उसके लिए एक साल बहुत वर्थ इट है और जो जो स्ट्रगल जो जो वक्त आप आज की डेट में दे रहे हो या अपने ड्रॉप ईयर में दे रहे हो वो सब वर्थ इट हो जाएगा आगे जाके एक बार आई आई का टैग लग गया एवरीथिंग इज़ वर्थ इट ठीक है और वहां जाके भी मैं कहूंगी कि अगर आप में वो बेसिक एटीट्यूड आपको लगता है देखो मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही बट मैं हर बच्चे को अपना अंतर्मन पता होता है उसको अगर लगता है कि यार मुझ में वो एटीट्यूड नहीं है यार मैं मेरे में पोटेंशियल बहुत है मैं कर सकता हूँ चाहूँ तो पर मेरा मन ही नहीं करता करने का तो फिर रिस्क मत लो देन एम फॉर अ नॉर्मल कॉलेज और कभी ना कभी मन होगा तब इन सब में फिर हम एम करेंगे बट दिस राइट मैं कहूँगी ये ज्यादा सिंपलर है क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड सिलेबस है और आप अगर ड्रॉप लें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो आई होप मेरा ये वीडियो आपके काम जरूर आया होगा लेकिन एंड इस वीडियो को मैं इस बात से करूंगी कि राजा की तरह जीने के लिए पहले गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है ऐसा कोई सक्सेसफुल पर्सन नहीं होता ऐसा कोई सक्सेसफुल बंदा नहीं होता जिसने कभी मेहनत नहीं की हो और सीधा छत चढ़ गया हो सक्सेसो लोहा उसने अपना लोगों से मनवा लिया है आपका लोहा आपको मनवाने के लिए जीतोड़ मेहनत एक बारी करनी पड़ेगी प्रयास करने पड़ेंगे जिंदगी में अगर एक भी छक्का नहीं मारोगे तो अच्छा प्लेयर कैसे कहलाओगे और उस एक छक्के को कोच के सामने मारने के लिए हजारों छक्के मारने की प्रैक्टिस आपको अपने ही मैदान में करनी पड़ेगी और यही है आई की तैयारी यानी जेई एग्जाम की तैयारी की जर्नी जो अगर आप अपने आप को करते हुए देख सकते हैं तो आप जरूर ड्रॉप लीजिए बिल्कुल भी मत सोचिए लेकिन झूठा मोटिवेट किसी से नहीं होना क्योंकि जो अगर हमारे अंदर एटीट्यूड नहीं होता और हम एक दिन के लिए हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं तो वो मोटिवेशन अगले दस दिन में डाउन भी हो जाता है ठीक है तो ये सवाल आपको अपने आप से करना है कि आप कैजुअली एटी फाइव परसेंटाइल से ऊपर आ गए या एट्टी परसेंटाइल से ऊपर आ गए हैं तो आपको ड्रॉप जरूर लेना बनता है मेरे अकॉर्डिंग और अगर आप नाइनटी फाइव परसेंटाइल से ऊपर हैं तो आप इसी साल आई आई टी क्राक करने का सोचो ठीक है और अगर नहीं होता है तो गारंटी ड्रॉप ले लो ठीक है तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे यहां जेएलडी सेशन चलते हैं इलेवेंथ आपका मंडे वेंजडे फ्राइडे होता है ट्वेल्थ ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को होता है ठीक है टाइन ओर एल डॉट कॉम स्लास्ट पे जे पे आपको जुड़ा है इस पर कंटेंट बहुत जबरदस्त है और बहुत ब्यूटीफुली ऑर्गनाइड है नोट्स पीरियड्स एवरीथिंग यू विल गेट ठीक है एन अकाडम जेई पब्लिक चैनल पर जुड़ेंगे तो आपको जो भी हमारे वीडियोज़ होते हैं उसके सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और सिंगल क्लिक पर आप उस वीडियो को ज्वाइन कर सकते हैं और उससे बेनिफिट ले सकते हैं ये वो सारे हंसते मुस्कुराते चेहरे जो कि अभी मेरे पीछे हैं आप में से भी ये बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो यहाँ एड ऑन हो जाएंगे लेकिन बात है अपने अंदर झांक कर अपने आप से बात करने की आपको अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे ठीक है एंड ये रिजल्ट है हमारा जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट है एंड इस रिज़ल्ट में इन नंबर्स में आप भी शामिल हो या फिर हो हो सकता है आप ऑलरेडी हो इसमें और आ, अगर नहीं है तो मैं तो ये कल्पना मतलब मैं ये आ, चाहती हूं कि आप इसमें इसमें जरूर शामिल हो जाएं ठीक है प्लस पे हम बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं बहुत अच्छी और प्यारी क्लासेस होती हैं जिसमें बहुत मेहनत करते हैं टीचर्स लाइव पोल एंड रीड बुड ऑप्शन डाउट सॉल्विंग लाइव इंट्रैक्शन एंड उसके अलावा वीकली टेस्ट डी पी एवरीथिंग एस गोज आउट वेरी फाइनली एंड दो तरीके सब्सक्रिप्शन प्लस एंड आइकॉनिक जहां प्लस और आइकॉनिक में दोनों में क्लासेज कॉमन होती हैं बट आइकॉनिक में आपको रेज एंड ऑप्शन में प्रायोरिटी बहुत

स्टैंड करता है ठीक है लास्टली आप हो तो हमें वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं क्योंकि अभी जो एक डिस्टर्ब्ड एंड कन्फ्यूज माइंडसेट चल रहा है कि यार ड्रॉप करूँ या नहीं क्या करूँ क्या नहीं करूँ तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू सो मच लव यू ऑल